हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्टिकल नंबर 139A, जो कि बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस। मतलब क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, आप तो नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी जो केस चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो उसको ट्रांसफ़र करने की पावर रखता है। मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसके लिए अगर मैं प्रोसीजर लॉ की बात करूं तो CRPC का जो सेक्शन 406 है वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ट्रांसफ़र करेगा, और CPC जो कि सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल मैटर्स में जो डील करता है, उसका सेक्शन नंबर 25 है, वो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे ट्रांसफ़र करेगा। अब जो 139A में लिखा हुआ है वो लिखा है कि अगर कोई ऐसा केस है जो पेंडिंग है किसी भी हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, और अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपन ने आर्टिकल नंबर 76 पढ़ा था, 76 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं एक बार। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर कह दे, या फिर जो पार्टी है केस की वो कह दें कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इशू है, इशू ऑफ जो लॉ है, ये एक सबस्टेंशियल क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉ है, ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस भी है। तो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और जनरल इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि वो एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे पार्टीज़ के राइट इफेक्ट हो रहे हैं, और उस जो पार्टीज़ के राइट इफेक्ट हो रहे हैं वो एक जनरल नेचर में बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करने वाले हैं, सोसाइटी को एट लार्ज इफेक्ट करने वाले हैं, तो वो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, विड्रॉ कर सकता है हाई कोर्ट से, या एक से ज़्यादा अगर हाई कोर्ट है तो उन कोर्ट से, और डिस्पोज कर सकता है उसको जो केस उसने विड्रॉ किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जिस इशू को अगर वो हाई कोर्ट से विड्रॉ करके अपने पास लेता है और उसको अगर डिसाइड कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट वापस जो उस इशू को डिसाइड करके, जो डॉक्यूमेंट्स हैं डिसाइड करने के बाद, वो उसी हाई कोर्ट को भेज देगा, और वो बचा हुआ जो केस है वो हाई कोर्ट डिस्पोज करेगा। मतलब क्या होता है कि एक केस में बहुत सारे इशू बन सकते हैं, अब एक इशू जो लॉ का है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे, और बचे हुए जो इशूज़ हैं, इशूज़ का मतलब बेसिकली जो प्रॉब्लम जिन पर डिस्प्यूट आ रहा है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते, बाकी बची हुई जो प्रॉब्लम है उस केस में वो हाई कोर्ट ही डिसाइड कर देगा। तो जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन प्रॉब्लम जो लॉ से रिलेटेड थी वो क्लियर कर दी है, तो फिर हाई कोर्ट को वो भेज देता है वापस, और हाई कोर्ट जो है वो पूरी जो लॉ की प्रॉब्लम को देखते हुए जो फैक्ट्स जैसे आए हैं उस हिसाब से जजमेंट दे सकता है, तो वो हाई कोर्ट डील कर देगा, हाई कोर्ट उसको डिस्पोज कर देगा। क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को जब भी लगता है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए, तो वो कोई भी केस को, अपील को, या कोई भी अदर प्रोसीडिंग को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 25 CPC और सेक्शन 406 CRPC, वो भी सेम यही बात करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।